देखो आज की क्लास शुरू करने के पहले हम न्यूज पेपर देख रहे हैं। एक तो पहली बात ये होती है कि आजकल ये हो चुका है कि न्यूज जो है आपको अपने मोबाइल पे भी मिल जाती है। एक इम्पोर्टेंट खबर ये आई है उत्तर प्रदेश से, सभी पेपर्स में आई है करीबन, कि उत्तर प्रदेश के एक सबसे बड़े उद्योगपति ने अपनी करीब करीब 600 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो दान कर दी, ठीक है, अपनी फैमिली होने के बाद भी। और इसके पहले से भी कई सारे सालों से वो सतत जो है लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए अब 600 करोड़ रुपये कमाना, यदि हम पूरी जनसंख्या के हिसाब से सोचें तो कितने नंबर के बाद कोई एक व्यक्ति इतने पैसे कमा पाता है। बहुत बड़ा नंबर आया ना, बहुत बड़ा फिगर आया ना इतने पॉपुलेशन के हिसाब से। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा फिगर कमाने के बाद भी उस व्यक्ति ने पैसे को दान कर दिया उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद है, जिनको आम जीवन की जो रोज की जरूरत है, भूख, कपड़ा, घर, इसकी पूर्ति नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये सीखने वाली है कि पैसा कमा लेना सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो स्टूडेंट ज्यादातर यहाँ आते हैं ना पढ़ने के लिए, उनका टारगेट ये होता है कि कम उम्र में हमें बहुत पैसा कमाना है, ऐसी वाली गाड़ी खरीदना है, ऑडी लेना है, ये करना है। लेकिन उन सब के साथ वो ये चीज़ नहीं सोच पाते हैं कि उसके तरीके हमेशा सही हो और उस पैसे का भी सदुपयोग हो, इसकी भी योजना और प्लानिंग हमारे दिमाग में शुरू से होना चाहिए। तो इन उद्योगपति से हम ये सीख सकते हैं कि पैसा आए हम कमाएं, लेकिन उसका सदुपयोग करें, तब 80% आपको पैसा मिलने की संभावना पक्की हो जाती है, ठीक है। अब इसी न्यूज के साथ एक और न्यूज पैरेलल चल रही है। अवैध खनन को रोकने गए डीएसपी को डंपर वालों ने कुचल कर मार दिया। कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती डीएसपी की, वो अपनी ड्यूटी करने गए थे, लेकिन ऑन द स्पॉट गलत मेंटेलिटी, नेगेटिव सोच और शॉर्टकट के तरीके से ज्यादा पैसा कमाने वाले लोगों ने उनको ड्यूटी पर ही खत्म कर दिया। एक पूरा परिवार उजड़ गया। कौन गलत है? वो सारी चीजें, वो सारी बातें जिनको हम नकार देते हैं, यानी नेगेटिव आप खुद नहीं है, यहाँ तक ही सब कुछ नहीं चलेगा, आपको लोगों को और लोगों को भी नेगेटिव होने से रोकना है। सपोज आप क्लास में ग्रुप में बैठते हैं, आपके साथ रैंडमली बच्चे जब बैठते हैं तो कुछ की ऐसी सोच होती है, कुछ की ऐसी सोच होती है। तो कोशिश ये भी करना चाहिए कि यदि हमारे आसपास कोई बच्चा एक यंग एज से 18-19-20 साल की उम्र से नेगेटिविटी की ओर जा रहा हो, किसी भी तरीके से पैसा कमाने के बारे में सपने देखता हो, तो उसे सावधान करिए, उसे अपने साथ जोड़िए ताकि वो भी पॉजिटिव हो सके, तब आपकी पॉजिटिविटी पूर्ण रूप से सही गहरा है। Bye.